We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. राष्ट्रीय मैथ्स व साइंस दिवस पर गुरुवार को जिला स्तरीय क्विज व मॉडल प्रदर्शनी गुरु गोविंद सिंह वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में आयोजित की गई। इस दौरान मंडी जिला के 10 उपमंडलों के करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। एक दिवसीय साइंस व मैथ्स क्विज में सीनियर व जूनियर वर्ग के छात्र छात्रों ने अपने इनोवेशन को प्रस्तुत किया, जिसमें जहां बच्चों ने नवाचार विचारों को प्रस्तुत करते हुए नई तकनीक के एलपीजी गैस को ऑन व ऑफ होना, बिना वाईफाई के लिए एलईडी के सिग्नल से जाना, शुद्ध पेयजल व्यवस्था के अलावा मैथ्स विषय को सरलता से समझना मुख्य तौर पर समझाया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम स्नेहा है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमला फोर्ट धर्मपुर द्वितीय जिला मंडी से हूँ। मेरा मॉडल लाइफ आई के बारे में है। लाइफ आई, जिसका पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है, यह एक हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस तकनीक है। इस लाइफ आई तकनीक में विजिबल लाइट एलईडी बल्ब से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल डिजिटल सूचना प्रसारण में किया जाता है। इसमें उपयोग होने वाली विजिबल लाइट रेस की रेंज 400 से 800 टेराहर्ट्ज तक है। इस मॉडल को बनाने के लिए हमने मोबाइल फोन, एलईडी लाइट, एलईडी वायर, सोलर पैनल और स्पीकर का उपयोग किया है। इसमें हमने मोबाइल फोन को एलईडी से कनेक्ट किया है तथा सोलर पैनल को स्पीकर के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे ही हम मोबाइल फोन को एलईडी के साथ जोड़ते हैं तो लाइट जल जाती है। लाइट जल जाने के बाद डाटा सोलर पैनल के माध्यम से स्पीकर में ट्रांसफर हो जाता है। यदि हम लाइट को कट कर दें तो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। हम मोबाइल फोन की जगह कोई भी डिवाइस ले सकते हैं जिसमें आपको डाटा ट्रांसफर करना हो, और स्पीकर की जगह कोई भी डिवाइस ले सकते हैं जिसमें आपको डाटा ट्रांसफर करना हो। थैंक यू। माय नेम इज सुमित ठाकुर, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्सी चौक इंद्रनगर। मेरे मॉडल का नाम है ऑटोमेटिक स्विच फॉर एलपीजी। जब हम गैस पर खाना पकाते हैं तो हमें लगातार नज़र खाने पर रखनी पड़ती है और खाना पकने पर गैस बंद करनी पड़ती है। अगर हम गैस बंद करना भूल जाए तो खाना जल सकता है और गैस वेस्ट होगी, सो अलर्ट। तो इन सभी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाला है ऑटोमेटिक स्विच फॉर एलपीजी। ये आपकी गैस की नॉब पे अटैच होगा और इसमें हम टाइम सेट कर देंगे और जैसे टाइम ओवर हो जाएगा तो ये गैस की नॉब को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। तो इसमें है कि जैसे बटन स्मार्ट जैसा होता है इंडक्शन में, वैसे ही काम हमने नॉर्मल चूल्हे में किया है। जैसे बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये ऑन हो जाएगा और इसमें टाइम चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे टाइम ऑफ ओवर हो जाएगा तो ये गैस नॉब को ऑफ कर देगा और बस ऑन करना स्टार्ट कर देगा। इसमें हमने और भी फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि गैस को हाई फ्लेम में करना पड़ता है, लो फ्लेम में करना पड़ता है, तो उसका भी है। जैसे यहाँ पर हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये लो फ्लेम में हो जाएगा और यहाँ से अगर ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो ये हाई फ्लेम पे हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जैसे गैस वेस्ट नहीं होगी, दूसरा ये कि टेंशन हो जाता है फूड वेस्ट हो गया अब क्या कर सकते हैं, वो टेंशन भी होगा। तीसरा ये लो कॉस्ट है। जी, नरेश ठाकुर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, मैथ्स एंड साइंस डे सेलिब्रेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष गणित व विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं, विज्ञान और गणित को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। हिमकोस्टे शिमला द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम इस बार गुरु गोविंद सिंह स्कूल मंडी में आयोजित किया गया। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम रहा जिसमें पूरे जिला में से लगभग 6000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन, जिसमें से 200 बच्चे सिलेक्ट होकर जिला स्तर पर पहुंचे। यहां आकर वे गणित मॉडल, विज्ञान मॉडल, गणित व विज्ञान की प्रश्नोत्तरी इत्यादि प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने अपने अपने इनोवेशन को यहां प्रदर्शित किया। ज्यूरी मेंबर्स ने विभिन्न प्रकार के तरीकों से उन्हें जज किया और अंत में जो बच्चे विजयी हुए वे विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए इस देश के विकास में उसका योगदान देते हुए ये प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आज सम्पन्न हुई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।